बायोकवच उत्पाद दो प्रकार के होते हैं, एक मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए होता है, दूसरा है पौधे और पेड़ के पोषक तत्वों के लिए वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए उपयोग में आता है। मिट्टी के लिए दो उत्पाद, पहला कप्तान सॉयल ए, दूसरा कप्तान सॉयल जेड। 2 लीटर कप्तान सॉयल ए और 2 लीटर कप्तान सॉयल जेड 200 लीटर पानी में मिलाकर 4 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए। इस मिश्रण से मिट्टी को अच्छी तरह गीला करना चाहिए। कप्तान सॉयल उत्पाद ड्रिप द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। बेहतर परिणामों के लिए इस तरह 15 दिनों में एक बार ऊपर बताए तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि फसल अवधि के दौरान पोषक तत्वों की कमी या वृद्धि की समस्याओं का सामना करें, तो हर 10 दिन में एक बार मिट्टी को सींचें। पौधों और पेड़ों के लिए 4 उत्पाद हैं। पहला गोल्ड, दूसरा अल्ट्रा, तीसरा मल्टीप्लक्स, चौथा प्लैटिनम। इनका स्प्रे 2 चरणों में करना चाहिए। फूल, फल, सब्जियां, वाणिज्य फसलें और सभी फसलों के लिए गोल्ड 5 मिलीलीटर प्लस अल्ट्रा 5 मिलीलीटर प्लस मल्टीप्लक्स 2.5 मिलीलीटर, ये तीनों 1 लीटर पानी में मिलाके पौधे को गीला करना चाहिए। 7 दिनों के बाद 1 लीटर पानी में प्लैटिनम 5 मिलीलीटर और मल्टीप्लक्स 2.5 मिलीलीटर मिलाके पौधे को गीला होने तक स्प्रे कीजिए। टिप्पणी, स्प्रे करते समय मिट्टी में नमी की मात्रा होनी चाहिए। स्प्रे की विधि, मिट्टी, तना, पत्ती के नीचे, पत्ती के ऊपर, पौधों के चारों ओर और ऊपर के विपरीत दिशा में समान रूप से स्प्रे कीजिए। अविंजा बायोकवच उत्पाद सभी प्रकार की फसलों के लिए और सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है।